नमस्कार। ट्रेड रिबोर्ट द्वारा आयोजित ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस 2020 में लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 60 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्पीकर्स ने अपनी बात रखी कि कैसे कमोडिटीज बाजार में तकनीक से हम सभी लाभ ले सकते हैं। इसी क्रम में बहुत से पैनल डिस्कशन भी हुए। एक पैनल का शीर्षक था पोर्ट ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन। इसमें भाग लिया जगमीत मक्कर जी ने, जो कि को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं स्केल्स प्लस सिंगापुर एंड हांगकांग से। जगमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, प्लेजर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आप खुद एक मरीन इंजीनियर हैं, मरीन आर्बिट्रेटर हैं, तो ये जो सेशन रहा पोर्ट ऑटोमेशन का, इसमें मुख्यतः क्या बातें निकल कर आई? देखिए, जो शिप अमित जी होते हैं, शिप्स का काम सिर्फ समुद्र को लांग कर जमीन के किनारे आना होता है सामान लेके। उसके बाद में सारा का सारा काम पोर्ट का होता है। पोर्ट जहां अगर पोर्ट की एफिशिएंसी होगी, पोर्ट की थ्रूपुट अच्छी होगी, फिर वहां से वो आगे हिंटरलैंड ठीक होगा, रेल रोड, मेनली जो कार्गो है उसका काम है क्लाइंट तक पहुंचना। समुद्र का जो रास्ता है वो एक छोटा सा एलिमेंट होता है, पोर्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक पोर्ट में प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम्स नहीं होंगे, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी, अगर कम नहीं होगी, तब तक द होल पर्पस, जो कंप्लीट लॉजिस्टिक कॉस्टिंग हम कहते हैं एज परसेंटेज ऑफ द CFR कंप्लीट प्राइस, वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए जरूरी है कि पोर्ट बहुत एफिशिएंट तरीके से चले। तो भारतीय संदर्भ में आप क्या कहेंगे, पोर्ट्स का ऑटोमेशन किस स्तर से हुआ है, क्या तेजी से बढ़ रहा है, और अगर जो व्यूअर्स कार्यक्रम देख रहे हैं, कौन कौन से छोटे बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिन्हें तो हम काफी जल्दी सीमित लागत के साथ जल्दी ऑटोमेट कर दें तो बेहतर रहेगा? जब भी कार्गो अगर अनलोड किया जाता है, वो जो अनलोडिंग की क्रेन्स वगैरह होती हैं, की क्रेन उनको कहते हैं, QC, अच्छा, वो फिर उसके बाद में इवैक्यूएशन सिस्टम्स हो गए, कैसे आप उसको पोर्ट में से सामान को निकाल के बाहर जो भी व्हीकल्स उसको लेके जाने वाले हैं, दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट। सबसे उसको करना बहुत जरूरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं लगती है। फायदा सबसे बड़ा इसका ये होता है कि एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाती है। और जो पहले आपने सवाल पूछा था अमित जी कि अभी क्या स्टेटस है, कहाँ, आई थिंक इंडियन पोर्ट्स आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम प्रगति की राह पर अग्रसर होने के लिए और भी काफी चीजें करनी है हमें। जो बेस्ट इन द क्लास पोर्ट्स हैं दुनिया में, उससे हम थोड़े पीछे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए हमें दिलो जान से बहुत 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 जोर लगाना पड़ेगा। तो जगमीत जी, जैसा कि माननीय केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने भी कहा था कि मैरीटाइम विजन 2030 बन रहा है और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को पुश मिलेगा, तो जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्या ये भी हमारी मदद कर सकती हैं पोर्ट्स में? पोर्ट्स में वो बहुत जरूरी है जी, उनका जहां तक ब्लॉकचेन का बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, बहुत जरूरी है। और जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला है मैरीटाइम विजन 2030, मैं भी उसका एक हिस्सा रह चुका हूँ। हाँ जी, बहुत जरूरी ये, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो पोर्ट्स में ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, 50 से ज्यादा प्रोसेसेस और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जैसे श्री संजय भाटिया जी ने आपको बताया था जब इंटरव्यू उन्होंने जब स्पीच दी थी। हाँ जी, बिना बिना ये रियलाइज किए हम लोग की पोर्ट एफिशिएंसी बिना बढ़ाए अगर आगे हम अपने मैरिटाइम क्लस्टर को या थ्रूपुट्स को, वो नहीं पॉसिबल। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए भारत सरकार इस पे काफी जोरों शोरों से काम कर रही है। और मैरिटाइम विजन 2030 में एक मैरिटाइम इंडिया इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव भी है, तो आपको लगता है कि एक इस तरह का इंस्टीट्यूट भी हो जहां पर ये जो पूरी जानकारी है कमोडिटीज बाजार से जुड़ी और पोर्ट डेवलपमेंट से जुड़ी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट से जुड़ी, वो मिले? बहुत जरूरी है। अभी अभी हमारे पास इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, अच्छा, फिर कैलकाटा में भी है, बॉम्बे में है। सो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपसेज हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री
एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स, उनको तीनों को एक साथ कैसे लाया जाए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च करना, डिग्रियां लेने के लिए, उसका कोई फायदा है जी। वो रिसर्च जो है फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, इस चीज पे रिसर्च करनी है वो जो है वो इंडस्ट्री से वापस आनी चाहिए, और दोनों का जो एनवलप है वो है पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से इंडस्ट्री की नीड्स होगी, उसी के हिसाब से रिसर्च वर्क किया जाएगा, मूविंग इन द गुड डायरेक्शन। तो जगमीत जी, क्योंकि आप ट्रेड फाइनेंस में भी सलाह देते हैं, आपका अनुभव रहा है और एक्सेस टू क्रेडिट बहुत जरूरी है, तो अगर इस इंडस्ट्री का विस्तार होना है, ट्रेड फाइनेंस को लेकर आप किस तरह देखते हैं आने वाले समय में संभावनाएं? ट्रेड फाइनेंस, आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्प्रेड जो है उसका कम होना चाहिए। आप खुद सीए हैं, आपको यू नो लाइक इफ यू आर गोइंग टू हैव लार्जर स्प्रेड्स, और परसेप्शन ऑफ रिस्क जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हर चीज को आप रिस्क, हाई रिस्क करके देखेंगे, तो जो फाइनेंस आपको दे रहे हैं दे विल नॉट टू गिव यू प्रॉपर फाइनेंस। और जो क्लाइंट है उसको भी समझना पड़ेगा कि केवाईसी बहुत जरूरी चीज होती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, और बाय हैविंग द ब्लॉकचेन सिस्टम एंड ऑटोमेटेड सिस्टम काफी इस चीज को हेल्प मिलेगी जी। और जगमीत जी, जब आप कहते हैं कि आप मरीन आर्बिट्रेटर भी हैं, तो हमारे दर्शकों को समझाएं कि मरीन आर्बिट्रेटर का क्या रोल रहता है? देखिए, दिल तो ये कहता है कि कभी किसी के बीच में झगड़ा हो नहीं। जैसे कोई डॉक्टर भी कहता है कि खुदा ना करे आप कभी बीमार पड़े, जस्ट केस बीमार अगर हो भी गए तो मैरिटाइम आर्बिट्रेटर्स का भी यही होता है कि कभी ऐसा ना हो कि आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच हो या डिस्प्यूट अराइज करे, आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में म्यूचुअल नेगोशिएट करके उसको खत्म कर दें, क्योंकि डिस्प्यूट का मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड वेस्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो एज अ मैरिटाइम आर्बिट्रेटर हम लोग क्या करते हैं कि वी इट्स कॉल्ड द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, लिटिगेशन की जगह आर्बिट्रेशन की जाए, कॉस्ट कम रखी जाए, जल्दी टाइम पे उसको किया जाए, दोनों पार्टीज को अच्छी तरह समझ के जो लीगल और कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, एक लॉयर बन के अगर हमने लॉ ही लगाना है तो उसके लिए कोई जज हैं कोर्ट में, जो हम लोग देखते हैं एज एन आर्बिट्रेटर वी बिलोंग टू द इंडस्ट्री, हमारा जो देखने का तरीका होता है भाई पार्टीज ने क्या सोच के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उस चीज को आगे करते हुए we try and find the most suitable solution under the circumstances. पर आपको लगता है कि अगर contracts सारे automated हो जाएं, तो शायद disputes पहले number पर कम ही हो जाएं? अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। सबसे पहला step होता है standardization. देखिए, काफी businesses ऐसे हैं जहाँ पे contracts, charter parties जो है वो standardized कुछ हद तक हुई है, बट हमारा जो बिजनेस है ड्राई कार्गो बिजनेस, एवरी चार्टर पार्टी इज अ डिफरेंट एनिमल, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है, और समहाउ हम लोग शिपिंग में कई बार अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि जो इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बिमको ने बनाए हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं, हम उनके क्लॉजेस को, उनके सेंटेंसेस को स्टार्ट प्लेइंग विद देम, ये समझ के कि हम अपनी कंपनी का फायदा कर रहे हैं उससे, लेकिन वो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वैसी सिचुएशन हो जाती है, और फिर उसके बाद नथिंग बट प्रॉब्लम। अगर मैंने लिखी है तो आप उसको पढ़ेंगे, आप कुछ और समझेंगे, मैं पढ़ूंगी मैं कुछ और समझूंगा, और लॉयर्स और जज पढ़ेंगे वो कुछ और समझेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि केस लॉ को नजर में रखते हुए, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस को नजर में रखते हुए, ऐसे अल्फाजों का, ऐसे वर्ड्स का, फुल स्टॉप और कॉमा का इस्तेमाल किया जाए कि उसकी इंटरप्रिटेशन यूनिफॉर्म हो, कॉमन हो, एज फार एज पॉसिबल, 100% तो नहीं हो सकता, एज फार एज पॉसिबल, तो वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है। अगर लोग स्टैंडर्डाइज करके उसी डायरेक्शन में चलें, तो मुझे लगता है कि बाय हैविंग दिस यू नो प्रॉपर सिस्टम्स
mechanized systems, automated systems, smart contracts. Basically, you're talking about smart contracts. Yes. Why not? It is very much possible to do. तो अंत में जगमीत जी, ट्रेड रिबूट का जो इनिशिएटिव है, ग्लोबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाने का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करने का, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने का, कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि ये जब पहली बार मुझे ये बताया गया था कि ऐसा कर रहे हैं, आई वॉज ऑल आउट फॉर इट. मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बेटर लेट देन नेवर. अब आगाज हो ही गया है तो आगे बढ़ेंगे और वील ट्राई एंड मेक श्योर दैट वी नॉट ओनली टॉक, वी वॉक द टॉक इन ऑल एरियाज. Yeah, I think that's a very good message to conclude our conversation, that in the digital era, we are aware now that leveraging the emerging technologies can benefit humanity, can benefit commodities market. So let's walk the talk. Jagdeep Matkar ji, charcha karne ke liye bahut bahut dhanyawad aapka. Thank you very much. Dhanyawad.